कितना दिल टूटा हुआ है? बस इतना ज्यादा दिल टूटा हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ, हमें मैं बाबा तो किसकी नजर लगी, इंडिया आपकी नजर लगी। बट स्टिल यू नो, वैसे मैं चाहती थी कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल्स हो, लेकिन श्रीलंका का के साथ हुआ मैच ओके था, हम लोग जीत सकते थे, बट स्टिल हम कुछ कह नहीं सकते। क्या बात हुई कि इंडियंस की नजर लगी, ये खेल मुझे लगता है इंडिया चाहता है दिल दिल में कि अगर वो डूब गया तो वो चाहता है कि उसका भी जो सनम है वो भी डूब जाए। इंडियन आज आपको पता नहीं कि क्या हुआ है, हमारा दिल टूट गया, दिल टूट गया, नहीं पूरे पाकिस्तान का आज दिल टूटा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज मैच खेला है फाइनल, हमारा दिल जो है बहुत दुखा हुआ है, इनका भी दिल दुखा हुआ है। अभी हम जाएंगे और क्या ज्यादा किसका दुखा हुआ है, फैसला हम दोनों का अफसोस है, क्योंकि हम शारजा से दुबई आए थे, हमने कहा था भाई, क्योंकि हम पूरा रेडियो में सुन रहे थे कि पाकिस्तान जीत रहा है मैच, यू नो बॉलिंग जबरदस्त, वो मजा नहीं आया, चार्म ही नहीं था बैटिंग में। अच्छा मशवरा क्या देंगे आप इस टीम को? देखिए मशवरा नहीं, होम सेट करो, बैटिंग पता है एग्जैक्टली, देखिए हम लोग एज एन ऑडियंस नहीं कह सकते, उनको जो अंडर प्रेशर जो उनको लग रहा होगा ना, जो मैदान में वो जो क्रिकेट खेले उनको ज्यादा पता है, लेकिन हमारी बैटिंग हम लोग रन नहीं बना पा रहे थे श्रीलंका के सामने, ये मतलब कि फाइनल में आकर हम लोग ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये फाइनल मैच, ये फाइनल मैच नहीं लग रहा था। मैं तो कह रही हूँ इंडिया तो खुश होगा, खुश है ना तुम लोग, हार गए, नजर लगाई उन पे, बट स्टिल वी लव इंडिया, वी लव पाकिस्तान, हम लोग को पाकिस्तान बहुत पसंद है, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान फाइनल मैच हार गया, हमें बहुत उम्मीदें थी कि शायद फाइनल मैच में जीत होगी हमारी, लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है कि उम्मीद लेके आए थे कि ये टीम जीत सकती है, इतना यकीन था कि ये जीतने वाली टीम है। बस पिछले मैचेस भी मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से खेले हैं वो मुझे लगता है नसीबों से जीत गए हैं, जी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है नसीबों से जीते हैं, बट इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम को जो है बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छा खेलेंगे, उम्मीद है। कितना उदास है आप? आई वॉज रियली होपफुल कि पाकिस्तान जीतेगा, बट श्रीलंका वॉज प्लेइंग वेरी वेल पूरी इनिंग्स में, सो आई गेस जो टीम डिजर्व करती थी वही जीती है। उदासी हुई है, मायूसी हुई है अपनी टीम हारने पे? मायूसी कह सकते हुई है, वी वर होपिंग कि पाकिस्तान जीते, बट स्टिल वी आर डीप डाउन पाकिस्तान पे यकीन तो है, नेक्स्ट मैच में फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए, और दिल वाकई बहुत उदास है, लेकिन ये है कि हम जीते हैं और हारिया हारे, हमें तो अपने मुल्क से बहुत प्यार है, लेकिन वाकई बहुत से लोगों की उम्मीद टूटी, बड़ी दूर से आए थे, और आप जब पहली 7 वाइड बॉल्स दिए हैं श्रीलंका ने, तो हमने कहा यार ये तो बड़ा प्रेशर में है, तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये है कि क्राउड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन फिर भी हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं, हार जीत खेल में होती है, और इन्होंने लास्ट फाइनल्स तक आए, हमारी तरफ से यह है कि श्रीलंका को भी मुबारक। मायूसी हुई है, क्या होप लेके आए थे इसमें? होप तो हम फुल लाए थे कि इंशाल्लाह आज हम चैंपियंस होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, श्रीलंका प्लेड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, एंड दे डिजर्व कि वो जीते। पाकिस्तानी टीम को क्या मशवरा देंगे आप? फील्डिंग और कैचेस, श्रीलंका की टीम ने इतनी अच्छी फील्डिंग की टिल द लास्ट मिनट, उन्होंने कोई कैच ड्रॉप नहीं किया, आई विश पाकिस्तान भी अगर इसी तरह खेलता, स्पेशली इन द एंड, शुरू में उनका इतना अच्छा मोमेंटम था, अगर वो कैचेस ना ड्रॉप करते तो आई थिंक वो जो कंसिस्टेंसी है स्टार्ट टू फिनिश जैसे श्रीलंका टीम ने रखी थी वो उनको भी रखनी चाहिए। पता नहीं पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है या रिलैक्स हो जाता है, I don't know what it is, जी हाँ बिल्कुल कहते हैं काफी मायूस हुए, कैचेस विन मैचेस एक फ्रेज जो है वो आज साबित हो गया, 2 कैचेस ड्रॉप किए शादाब ने, और उसके अलावा बैटिंग में हाँ बाबर आजम और सब फखर नहीं चले, पर अनफॉर्चुनेटली रिजवान और इफ्तिखार ने बहुत बॉलें जाया कर दी, उन्होंने पूरा वनडे मैच बना लिया था इसको, और एक T20 की तरह नहीं खेला, उसके बाद बिल्कुल आखिर में उन्होंने मारने की कोशिश की और नहीं हुआ, प्रेशर में आगे टीम। मैम आप कितनी मायूस हुई हैं? मैं मायूस नहीं हुई क्योंकि ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, अगर फाइनल में नहीं जीत पाए तो हमें अफसोस नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं बिल्कुल, पाकिस्तान के सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, लेकिन फैंस जो है वो होप लगा के आते हैं जीत की। जी बिल्कुल, मैं भी इसी होप से आई थी कि शायद आज पाकिस्तान की जीत होगी, जितना अच्छा उन्होंने पिछले मैचों में खेला है, लेकिन नहीं कर पाए, गेम्स में अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड कप हमारा होगा। कितना उदास हो, मायूस हो आप सर, क्या फीलिंग है भाई? ऑब्वियसली उदास है, मैच देखने आए थे
और जीत सकता था पाकिस्तान। अच्छी जिम्मेदार कौन है जल्दी से बताइए। नहीं वैसे आप टीम गेम है, आप शायद आपको अकेले पे नहीं डाल सकते, लेकिन डिजर्व करना चाहिए, जीत सकते थे। 58-5 से अच्छा खासा रोक लिया था, वहाँ पे जाते तो कम स्कोर पे स्ट्रिक करके आराम से चेस कर सकते थे। थैंक यू मैम, आप कितने उदास हैं सच बताइएगा। बहुत ज़्यादा, वी ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम लंदन एंड लुक दिस हैपेंड, बट इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। क्या इस टीम को, पाकिस्तानी टीम को, के कैप्टनसी कुछ बेहतर हो, कैचेस मेन मैचेस ये वाला हिसाब है, और अ लॉट कुड हैव बीन बेटर। आपके क्या फीलिंग है, इंडियंस तो बड़े खुश हैं कि पाकिस्तानी मुंह मरा के घर वापस जा रहे हैं। I mean we're happy when they win, they should be happy for us as well sometimes, and inshallah there will always be a next time where we do win, and we're going to wait for those moments. There's been many moments where we have won, so we can't lose hope right now. Sir, आपके क्या फीलिंग है? Pakistan came to the final, they did well to reach here, they were unlucky today. Sri Lanka played well, they were a good team, young team, and the congratulations to them for winning today. Inshallah we'll win next time. थैंक यू भाई। रुपये आप कितना दुख हुआ है? दुख तो नहीं हुआ है, हार जीत होती रहती है, खुशी है श्रीलंका जीता है, अच्छी है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, फील्डिंग अच्छी की है, तो बस हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चला है। जब दो खेलते हैं तो जाहिर सी बात है एक जीतता और एक हारता है, उन्होंने पूरी मेहनत की है, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से खेला है, हम बहुत खुश हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं हैं। नहीं, नहीं हम मशवरा यही देंगे, जैसा खेलते बहुत अच्छा खेलते और हमेशा ऐसा ही खेले, हम बहुत हैप्पी है। थैंक यू।